वहाँ से तोड़ के लाया हूँ वो सब, इसका सब पकेगा, मज़ा आ जाएगा आज। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज भैया का गार्डन देखने आया हूँ। यहाँ में भैया ने क्या क्या लगा के रखा हुआ है, मैं इसको देखता। वाओ, इतना सुंदर बच्चा दिया तुम। अरे इधर इधर इधर। अरे तेरा बच्चा उठा के नहीं ले जाएगा, हम गुस्सा क्यों गुस्सा क्यों कर रहे हैं। चलो दूध पिला। संगीता मेरा बिमला बिमला हाँ, तो जल्दी दो बगान जाएगा। और ये बिमला और संगीता ये मेरा साथ घूमेगा ये बागान में, यहाँ में देखेगा हम लोग यहाँ में क्या क्या है। तो चलते हैं उस साइड से। यहाँ में मकई भी लगा के रखा हुआ है। ये अंदर में बहुत सारे सब्जी है। यहाँ में खीरा दिखाई दे रहा है, यहाँ में खीरा है, ठीक से अच्छा से नहीं हुआ है। और एक्चुअली अभी सीज़न नहीं है। यहाँ में एक खीरा है, यहाँ में भी। तो बिमला दोनों खाएगा हाँ। और इस साइड में मिर्चा लगा के रखा है, सामने से दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा हुआ ये मिर्चा। तो ये मैंने एक कुकुम्बर लिया, बड़ी फ्रेश है ये भी। बड़ी टेस्टी है। यहाँ में मिर्चा लगा के रखा हुआ है, ये अभी नया लगा के रखा हुआ है। यहाँ में बहुत सारा धनिया है, अच्छा है, हमें कोई वो कीड़ा नहीं खाया हुआ है, फ्रेश है। अगर किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बताइए। मार्केट में बहुत ही दाम है, तो आप लोग को यहाँ में कम रेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा तरफ से आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। अगर आपको फ्रेश धनिया चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये धनिया आप सबसे पहले ये धनिया को देखिए कितना फ्रेश है, एकदम अभी तोड़ा है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो और मुझे कमेंट करके फिर बताते हो, तो आप लोगों को आपको आपका घर में ये फ्रेश धनिया पहुँच जाएगा। प्लास्टिक में अंदर डालो, इसमें डालो, इसमें ये इसमें डालो, हाँ संगीता का वहाँ डालो, अच्छा से डालो, टूटेगा। अभी ये लोग छोटा है। शुगर कैन अभी मैंने ये साइड में देख लिया, यहाँ में क्या क्या है। धनिया यहाँ में भी बहुत ज़्यादा है, और ये साइड में उस साइड में भी बहुत ज़्यादा था। वहाँ से तोड़ा है हम, वो लास्ट में उस तरफ देख के आता हूँ वहाँ तरफ क्या है। तो देख सकते हैं आप, ऊपर तक है लास्ट तक। ये सब टमाटो का पुली है। खीरा खत्म, बहुत ही बढ़िया था। ये मिर्चा है, नया लगाया है ये, अब यहाँ देख सकते हैं ऊपर तक लगा के रखा है। ये साइड में है टोमेटो, आगे में जो हमने पुली दिखाया है वो यहाँ शिफ्ट कर यहाँ शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ में आप देख सकते हैं इतना अच्छा से लगा के रखा है। ये सब्जी बागान में इसका क्या रोल है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सब वो सारा रस्सी बांध के रखा हुआ है ऊपर ऊपर से। तो इसका जो है बाद में क्या होगा कि ये जब बड़ा हो जाएगा, ये जब बड़ा हो जाएगा तो बैन होना शुरू होगा, तब क्या होगा कि ये रस्सी में बांध देगा ऊपर। तो ये रस्सी के थ्रू रस्सी के सहारे ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी है मिर्चा, ये सब काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये फलना शुरू हो चुका है। यहाँ भी खीरा है, अभी ये फलना शुरू हो रहा है, ये एक तो नया निकला है। और यहाँ भी है तो बड़ा वाला नहीं मिलेगा क्या। अच्छा ये छोटा है, ये अच्छा से नहीं हुआ है।
यहाँ में एक है, इसको मैं भी इसको भी खा लेता हूँ मैं। ये शेपलेस, किसी को चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। ये भूट मिर्चा का है, ये बहुत सारा है यहाँ में, और भी आपको मिल जाएगा वहाँ बागान में भी, उधर में वो साइड, उधर साइड में बहुत सारा है वो नर्सरी करके। क्या क्या है और देखते हैं। और ये शिमला मिर्च है, अच्छा हाँ बहुत सारा है शिमला मिर्च, लेकिन अच्छा से नहीं फला है, लेकिन काफ़ी सारा है, शायद अभी इसका भी सीज़न गया क्या। हाँ भी बहुत सारा है। अब यहाँ दो दो खीरा खा दिया मैंने, अब वो खाना है, जिसको खाना है मेरे साथ यहाँ बागान आए, बागान में घूमने आइए नेक्स्ट टाइम, तो बहुत ही टेस्टी है एकदम फ्रेश। तो अभी वहाँ भी और भी बहुत सारा है यहाँ में, उस साइड में भी है, वो साइड में भी आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, बहुत सारा लटक के रखा हुआ है, ये जो ओ ये जो ब्रश का काम करता है, तो ये सूख गया, तो खोल के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बड़ा वाला को खोल के दिखाता हूँ। ये और यहाँ भी है धनिया, अभी फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ धनिया, किसी को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ये शायद ये जो है वो ये सड़ गया, ये तो ये सड़ गया थोड़ा सा, अच्छा नहीं है, तो उसका तोड़ के दिखाता हूँ। ये ब्रश का काम करता है, इसको हाथ पाँव धुलाने के लिए, ऐसा ये शरीर में भी, ये यहाँ से भी ऐसे कर सकता है, इसको इधर से भी कहीं में भी लगा सकता है, या पाँव में भी इसे लगा सकते हैं पाँव। तो मैं इसको घर ले जाता हूँ, ये देखो ब्रश, इसमें साबुन, साबुन लगा के हमें साबुन लगा, हाँ और भी होता होगा वो भी ले जाएगा। ये बचपन में हम यूज़ किया था, हमको याद है, ये गांव में यूज़ किया था ये, ये जितना भी लगाया हुआ है ये छत का नीचे में है। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, पहला नशा पहला खुमार।
पुताना हुआ रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागी रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, ओए ओए, रब भी दीवाना लागे रे हो। अभी शाम हो चुका है, मैं यहाँ दिन भर यहाँ घुमा हूँ। यहाँ में पुदीना का पत्ता भी है बहुत सारा, ये वाला, ये तो इसको मैं घर में लगाने के लिए ले जाता हूँ। इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, बहुत सारा है यहाँ में। अगर किसी को अपना घर में लगाना है तो आप लोग बताइए, आपको भी मिल जाएगा। और यहाँ में ये सब्जी भी है, मैं देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा है, यहाँ में जंगल हो गया। ये जो है बहुत टेस्टी होता है, ये मसाला का काम करता है। ये बॉयल सब्जी, ये बॉयल मीट, जैसे कि चिकन बॉयल करेगा तो ये डालने से सूप में बहुत टेस्टी होता है ये वाला। तो इसको भी मैं ले जाता हूँ घर में लगाने के लिए। ये कौन कॉल कर रहे है भाई? हाँ दोस्त, हाँ जी बताइए क्या। नहीं नहीं नहीं, कहाँ है तुम, ऐसे है क्या होगा वैसे ना तुम? क्या बोला है? हाँ हाँ खबर करेगा हम। हाँ अभी हम थोड़ा सा बागान में है तो मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ा बाद में। ओके दोस्त, फाइन। तो मेरा दोस्त ने कॉल कर दिया, हमको डिस्टर्ब कर दिया भाई। इसमें क्या है ना, काटा है यहाँ में, ये जो काटा, ये बड़ा काटा, ये पट्टा में काटा होता है, ये बोल लगता है आया। तो मैं इसको ले जाता हूँ घर में लगाने के लिए। ये जो पट्टा ऐसे होता है, इसको सूप में डाल के बहुत ही टेस्टी होता है, स्पेशली चिकन, लोकल चिकन में इसको डालने से बहुत ही टेस्टी होता है। इसको भी ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सारा सब्ज़ी लिया हूँ मैं, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं भी वीडियो को ही एंड करता हूँ, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।